महाराष्ट्र चुनाव के पहले अजीत पवार के एक बयान ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अजीत पवार के इस बयान से हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि अब अजीत पवार के अब तक के सफर और उसके अनुसार उन्हें लगातार मिले पावर की बात है। आखिरकार अजीत पवार ने अपने मंसूबों का खुलासा कर दिया। उस वजह की बात यह है कि जिसके कारण उन्होंने अब अपनों से भी नाता तोड़ लिया है। दरअसल चुनाव के नजदीक आते ही अजीत पवार ने लगातार, आपको बता दें, एम के आर एस में होने की बात कर दी है, जबकि महायुति के लिए अजीत पवार कभी भी डिप्टी सीएम से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती और इसी बात का अफसोस अजीत पवार को है। ये बात अजीत पवार को आज से नहीं बल्कि साल 2004 से ही खटक रही है। इसका जिक्र एक इंटरव्यू में उन्होंने किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बुधवार को इस बात पर खुलासा किया। वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अब उप मुख्यमंत्री पद से आगे नहीं बढ़ पाए। पिछले साल एनसीपी में फूट डालने वाले और महायुति सरकार में शामिल होने वाले अजीत पवार रिकॉर्ड 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है। अजीत पवार को उनके समर्थन प्यार से अजीत दादा भी कहते हैं। कार्यक्रम में बोलते हुए एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2004 के महाराष्ट्र चुनाव के बाद एनसीपी के पास मुख्यमंत्री पद पर कब्जा करने का मौका था, लेकिन पार्टी ने नेतृत्व कांग्रेस के लिए अपना दावा छोड़ दिया। 2004 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 71 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जब उनकी सहयोगी, आपको बता दें, कांग्रेस 69 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। तब कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में महाराष्ट्र चुनाव लड़ने पर जोर देते हुए अजीत पवार ने कहा है कि मैं सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनाव में प्रत्येक पार्टी की ओर से जीती गई सीटों पर आधारित होगा। पवार ने कहा कि बीजेपी 2019 में जीती गई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह एनसीपी और शिवसेना के लिए समान है। 200 सीटों पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला साफ है, बाकी 88 सीटें सहयोगियों के बीच बढ़ जाएंगी। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।